अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट। आज मैं आपसे आंवला, रीठा और सिकाकाई के साथ एक ऐसा सीरम तैयार करूंगी जिसे आप अपना शैम्पू उसमें यूज़ करेंगे और एक हेल्दी शैम्पू आपका तैयार हो जाएगा। तो रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर ये देखिए, मैंने थोड़ा सा सिकाकाई लिया है, थोड़ा सा रीठा और थोड़ा सा आंवला। ये पंसारी की दुकान शॉप पर जो है वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा कम रेट पर मिल जाएगा। मैंने 50-50 के लिए थे और इतने सारे हो गए और वो कम से कम मेरा आराम से 5-6 मरतबा ये सीरम तैयार हो जाएगा उसमें। तो ये एक नेचुरल तरीके से हम सीरम तैयार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए और इसमें हमें एक चम्मच मेथी दाना लेना है। इसमें एक चम्मच मेथी दाना लेंगे और एक ही चम्मच हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता है हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी हैं। आंवला जो है, आंवले में जो है हमारे बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये डैमेज हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं और इनको दोबारा रिग्रोथ करते हैं। और इसी तरह सिकाकाई जो होता है वो हमारे बालों की जो रूट्स होती हैं वो उनको मजबूत करता है और ये भी ग्रोथ हमारे बालों की तेज़ करता है। और जो रीठा है वो ख़ास जो है वो हमारे शैम्पू बनाने के काम आता है। ये झाग बना देता है और हमारे स्कैल्प को साफ करता है। और मेथी दाना का तो हज़ारों रेमेडीज़ बन चुकी हैं कि ये बालों को मजबूती देते हैं। और चावल जो है वो हमारे नरिशमेंट, बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इसको क्या करना है, इसको ना 2 गिलास पानी में रात को आप भिगा दें। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं पहले से भिगा चुकी हूँ। वो इस तरह ये पूरी रात मैंने इनको भिगा दिया है और इसलिए बिल्कुल पानी जो है इसका बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। आपको जितना चाहिए उतना ले लें। मैं अभी इधर थोड़ा सा ले रही हूँ, ये तो हमारी पूरी फैमिली के लिए ही काफ़ी है। और इसी तरह आप बना सकते हैं कि आप पूरी फैमिली इसको आराम से, छोटे बड़े बच्चे सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि केमिकल से ये बिल्कुल पाक है। अब हम तो आदत है हमें शैम्पू यूज़ करने की, तो इसमें जो है हम एक स्पून आप अपने बालों के अकॉर्डिंग जो है ले लें। मैं इसमें एक चम्मच, मेरे पास सनसिल्क यूज़ कर रही हूँ, तो ये शैम्पू मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये आपका एक हेल्दी सा शैम्पू तैयार हो गया है। और आप इसको, आप जब आप अपने बालों को वॉश करें तो पहले गीला कर लें, उसके बाद जो है फिर इस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। एक ही मरतबा के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा आपके बालों को, बालों में गज़ब का रिज़ल्ट देगा ये। और आपके बालों के जो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिनको हम बहुत सारे, कभी खुशकी का मसला, कभी रीग्रोथ का मसला, बहुत सारे मसले हैं, इस सारे मसलों को ख़त्म कर देगा और आपके बालों को लंबा और घना करेगा। और मजबूती के साथ साथ जो हमारे स्कैल्प में खुशकी वगैरह हो जाती है उसे भी ख़त्म कर देगा। अब एक और मैं इसके साथ साथ एक और आपको क्रीम बनाना सिखा रही हूँ कि जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अक्सर बाल जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। तो आप अपने बालों में शैम्पू करें और फिर उसके बाद एक छोटी सी क्रीम बना रही हूँ। वो ये है कि एलोवेरा जेल लें, उसमें आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें। इसमें जो है विटामिन ई की कैप्सूल ले दी है, ये 2, इसको इस तरह आप कट करके इसमें मिक्स कर लें। आप अपने ये भी बालों के अकॉर्डिंग ले लें, मैं 2 ले रही हूँ, एक भी चलेगी, जैसा आपको बाल देखेंगे कितने बड़े हैं उस हिसाब से 1 या 2। और इसके साथ हमें कोई सा भी ऑयल लेना है, या तो आप कोकोनट ऑयल लें या फिर ये मेरे पास आलमंड ऑयल है, मैं इसे ले रही हूँ। ये सिर्फ 1/2 चम्मच इसमें जाएगा। आप इसकी अच्छे से मिक्स कर लें इसको। और फिर जब आपके बाल
अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर बाल ऐसे ही हो जाते हैं कि मैनेज नहीं हो पाते, तो आप इसको इस तरह एक क्रीम सी बना लें और फिर अपने बालों में इस तरह ये लेके ऐसे हाथों में यूँ मलें और फिर अपने बालों को लेंथ पे लगा लें। रूट्स पे भी लग सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल नहीं है इसमें, तो आप अपने रूट्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे लगाएंगे तो ये बिल्कुल बाल जो है आपके मैनेज रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।